नया साल है, हम नए साल की शुरुआत भगवान का नाम लेकर करते हैं और आज टेली मसाला पर साक्षात पार्वती जी है, मेरे साथ है मदिराक्षी। वेलकम टू टेली मसाला एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच नेहा, आपको भी बहुत बहुत न्यू ईयर की शुभकामनाएं एंड टू ऑल आर ऑडियंसेस। वेल, तो नया साल है, कहाँ पर आए हो आज? सैलून टाइम है, क्या करवाने वाले हो? मुझे तो मेकओवर करने का मन था नेहा, सो आई एम हियर टुडे एट समीर सलमानी। हर्ड अ लॉट अबाउट समीर, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ मेकओवर करने के लिए। 2020 वाज लिटिल टफ हमारे लिए, सभी के लिए थोड़ा सा टफ था, तो सोच रहे हैं 21 की जो शुरुआत है वो अच्छे से मेकओवर से की जाए। तो बने रहिए मेरे साथ और आइए आज हम क्या नया करते हैं टू द लुक्स। आपने पार्वती जी का जो रूप देखा इनका टेलीविजन पर, अब एक नए अंदाज में देखने को मिलेंगे, मेकओवर होगा, सो आई एम श्योर ऑडियंस विल बी इक्वली एक्साइटेड। मैं आशा तो यही करती हूँ, क्योंकि देवी पार्वती हैं वो स्क्रीन पर हैं और जब मैं मदिराक्षी होती हूँ तो मैं किस तरह से रहना पसंद करती हूँ, तो आज हम उसी को थोड़ा सा पॉलिश करते हैं एंड लेट्स सी। मेकओवर के साथ ही मैं आपको अपनी पर्सनल टिप दूंगी कि किस तरह से मैं अपनी स्किन को हाइड्रेट रखती हूँ, अपने बालों की केयर करती हूँ, एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक और देखिए आज क्या क्या नया करने को मिलता है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। Happy New Year to you guys. Happy New Year. Happy New Year. Merry Christmas and a very Happy New Year. Yes. अच्छा, तो मदिराक्षी ने आज सोचा मेकओवर करना है एंड शी वाज रियली एक्साइटेड टू कम हियर और मीट यू गाइस, तो क्या सोचा है इनके लिए आज? एक्चुअली सोचा ये कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। एज आई कैन सी लाइक द हेयर इज वेरी डार्क, सो समीर सलमानी वैसे भी इसीलिए फेमस है कि कुछ नया कर सकते हैं। That's what I mentioned कि मैंने बहुत सुना है समीर सलमानी, so I requested नेहा कि मुझे यहाँ पर लेकर आया जाए and I'm really looking forward समीर, जैसे मैंने सुना हुआ है I'm sure कि इससे ज़्यादा ही होगा। Definitely we'll try our best and expert also here, so yes, yeah, we'll do the best. We'll do the best part. And I love the hair she's carrying. Yes. It's very trendy. Thank you. She also has something to give it to you. Yes. So I want you to wear this. Oh, lovely it is. My sister. यहाँ पे हुस्ना ने स्ट्रीक्स दिए हुए हैं, सो हुस्ना माई टेल यू कि कितना टाइम लगेगा एंड व्हाट ऑल शी हैज़ गिवन। हुस्ना प्लीज़ बताओ। ओके, सो हम लोग ने किया है फॉलियाज टेक्निक आपके लिए और हम यूज़ कर रहे हैं ब्राउन, डार्क ब्राउन टू लाइट ब्राउन कलर आपके लिए, और ये रखेंगे हाफ एन आवर। सो डार्क ब्राउन टू लाइट ब्राउन एज एन इट शेड है? या शेड है, ऑल ऑफ शेड। ओके, आई एम एक्साइटेड, ये पूरा लुक चेंज कर देगा राइट, बिकॉज आई हैव अ लिटिल डार्क कलर, ब्लैक है। तो मिलते हैं आधे घंटे बाद विद द न्यू लुक, हाफ ऑफ द लुक।
मदिराक्षी का मेकओवर हो गया है एंड यू गाइस कैन सी हाउ आर यू फीलिंग. आई एम फीलिंग सो एनर्जेटिक, ब्राइट, जस्ट वाओ. इट्स सो पॉजिटिव एंड लुक एट दिस कलर, इट इज एनहेंसिंग माई स्किन टोन एज वेल. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. आई मीन, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बताऊँ उससे ज़्यादा बेटर है जो समीर हैं वो बताएं, बिकॉज उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है. समीर प्लीज कम. तो ये पूरा मेकओवर कर लिया है. समीर, आई वॉन्ट टू से थैंक यू बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई वॉज लुकिंग एट. ब्यूटिफुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम. सो बेसिकली एज यू हैव सीन लाइक बिफोर, द हेयर वॉज वेरी डार्क. ठीक है, और काफ़ी डार्क कलर यूज़ करते हुए आए हुए हैं पहले से. तो वो सब अचीवमेंट करने के लिए ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है हम लोग को, क्योंकि एक डार्क टोन से लाइट टोन में जाने के लिए विदाउट डैमेजिंग द हेयर, इट इज़ लाइक टास्क फॉर अस. ठीक है, एंड टू अचीव दिस काइंड ऑफ कलर, क्योंकि बिकॉज दिस टेक्निक इज़ वेरी डिफरेंट. इफ़ यू सी लाइक इट्स वेरी ब्लेंडिंग एंड लाइक डार्क टू लाइट, डार्क टू लाइट. सो देयर इज़ अ हाईलाइट इफेक्ट एज वेल एंड अ नाइस टेक्निकल लाइक यू नो बालियाज एंड फॉलियाज विथ फ्री हैंड टेक्निक. सो वी ऑलवेज लाइक फॉलो इंटरनेशनल टेक्निक्स टू गिव लाइक सच काइंड ऑफ मेकओवर एंड वी बिलीव इन ट्रांसफॉर्मेशन. राइट यार, ये तो थोड़ी सी ये जो आपने टर्म्स यूज किए डिफिकल्ट होंगे व्यूअर्स के लिए, पर सिंपल लैंग्वेज में अगर हमने शुरुआत में भी जैसे कि कहा था बालों का जो ख्याल रखना हो, सिंपल रेमिडीज क्या होती है, आप दोनों से ही जानना चाहेंगे. जी, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि आप बहुत सारा पानी पीजिए, प्रोटीन खाइए, बिकॉज बाल प्रोटीन से बने होते हैं. तो देन यू हैव टू हैव प्रोटीन इन योर डाइट. पानी पीते रहिए, विटामिन सी खाइए. सो ये मुझे ऐसा लगता है. बट जो टेक्सचर होते हैं बाल, ये तो अंदरूनी बातें हो गई, जो हम अंदर से अपने बालों को नरिश करते हैं या जो भी बोला जाता है उसको. बट जो बाहर से करते हैं उसके लिए तो प्रोफेशनली हैं जो बताएंगे. एंड ही ऑल्सो हैव गिवन मी लॉट ऑफ टिप्स कि यू नो अभी अपना शैम्पू आई शुड बी लाइक मुझे अब अपना शैम्पू चेंज करना चाहिए ताकि मैं अपने बालों की जो स्मूथनेस है जो अभी इन्होंने करके दिए इतने सुंदर, तो उसको मैं मेंटेन कर सकूं. तो बाकी तो मुझे लगता है यही बता पाएंगे बिकॉज ही इज़ अ प्रोफेशनल. और मैं खुद भी इनसे टिप्स ले रही हूँ. समीर, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह का बीइंग अ प्रोफेशनल, सलोन में तो खैर जाते ही है बट घर पर किस तरह से ख्याल रख सकते हैं. एक्चुअली शी इज़ राइट कि घर पर हमें किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए विद विटामिन एंड ऑल, क्योंकि केराटिन जो होता है उसी से हमारे हेयर बनते हैं और केराटिन प्रोटीन से बनता है. ठीक है, तो विच इज़ लाइक वेरी वेल सेड एक्चुअली, क्योंकि बहुत ही अच्छा खाना पीना होना चाहिए. वाटर कम से कम 2 से 3 लीटर होना चाहिए डे में. और उसके अलावा ना जो प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट रिकमेंड करते हैं ना शैम्पू वगैरह, वो यूज़ करना चाहिए. लाइक ऐसा कंज्यूमर मार्केट की तरह नहीं कि आप गए और कुछ भी पिकअप कर लिया, क्योंकि क्या होता है ना उससे कि आपको नहीं पता आपका हेयर टाइप क्या है, आपको नहीं पता आपका हेयर टेक्सचर क्या है, आपके हेयर डैमेज हैं, ड्राई हैं. सिर्फ आप अपना जाएंगे मार्केट में और वहाँ पे देखेंगे कि ओके ये मेरे हेयर ड्राई हैं, बट आपके कभी ड्राई नहीं होते हैं, डैमेज होते हैं. तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है कि आप मार्केट में जाके पिकअप करो. तो उससे अच्छा आप प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट से कंसल्ट करो और उसी के कंसल्टेशन करने के बाद जो भी वो आपको रिकमेंड करते हैं उसी वही प्रोडक्ट यूज़ किया करो, तो वो बहुत अच्छा रहता है मेंटेन रखने के लिए. सो दैट्स ऑल लाइक आई वुड से कि लाइक मेंटेन योर हेयर विद गुड प्रोटीन एंड ऑल एंड ऑल्सो लाइक विद प्रोफेशनल ब्रांड्स विच लाइक देर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स इन द मार्केट. सो यू शुड यूज ऑल दैट. और ऐसी अगर आपको और भी ज़्यादा टिप्स जाननी है, ऐसे ही सलोन टाइम्स जानने हैं, तो देखते रहिए टेली मसाला विच इज नाउ इंडियाज लार्जेस्ट यूट्यूब टेली बेस्ड चैनल. सो यस, वी हैव 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स गाइज. सो Yeah, on a good note. Yeah, he's going to give a party now. Yes, for sure. Banti hai. Party to zarur banti hai. So, thank you so much, guys, for so much of love and appreciation. Thank you so much, you guys, for always supporting us. And so, keep watching Telemasala.